आपको पता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्या है? इसका आंसर है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक बारी प्रोड्यूस करके उसका बेनिफिट और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अपनी लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। ये जो हमारा पिरामिड होता है इकोनॉमिक वैल्यू का, उसके अंदर सबसे ऊपर आता है हमारा म्यूज़िक, उसके नीचे आती है न्यूज़, उसके नीचे आती है मूवीज़। तो आप सोचिए, कुछ ऐसे बिजनेसेस अगर आप आइडेंटिफाई कर लें जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू आपको लाइफ लॉन्ग तक मिलेगी और जिसकी ऑडियंस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो और जिसका वैल्यूएबल कंटेंट जो है हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता हो, तो उसके अंदर मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी, टिप्स इंडस्ट्रीज़। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उनकी कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो है गाना बनाने के अंदर। और एक बारी जब कंटेंट बन जाता है गाने का, जो कि वो जितना भी पैसा यूज़ होता है उसको कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंस के अंदर डालते हैं, और एक बारी जब ऑपरेशनल एक्सपेंस हो जाए हमारा, तो उसके बाद जो उसका बेनिफिट है वो कंपनी को आने वाले फ्यूचर तक, इन्फिनिटी तक मिल सकता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको पैट मार्जिन अराउंड 43% के मिलेंगे, एबिट्डा मार्जिन अराउंड 56% के मिलेंगे, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है कि आपने लेट सपोज 1 साल के अंदर 1,000 गाने बनाए, उसमें से आपके कुछ 100 या 150 गाने आपके कुछ अगले 5 सालों में भी चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस कॉस्ट का जो खर्चा है वो आपने 1 साल में दिया, लेकिन उसका जो बेनिफिट आप आने वाले फ्यूचर में ले रहे हैं वो अगले 5 साल तक ले रहे हैं। तो यही एक ऐसा डायनेमिक है जिसकी वजह से मैं टिप्स इंडस्ट्रीज पे फोकस रहा हूँ। लेकिन इस कंपनी के अगर हम कुछ पैरामीटर्स की बात करें कि इंडिया के अंदर यूट्यूब जो उनका चैनल है उसके अंदर कंपनी के अराउंड 78 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और यूट्यूब व्यूज़ जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेबल चीज़ है, उसके अंदर कंपनी के अराउंड 60 बिलियन व्यूज़ हो चुके हैं 2022 के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 बिलियन व्यूज़ थे 2019 के अंदर। तो आप ये सोचिए कि जैसे जैसे इंडिया के अंदर लोगों की स्मार्टफोन फोन यूजेज जो है वो बढ़ रही है, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब आप इसके जो सिग्निफिकेंस है वो नोटिस करिए कि ये कहाँ कहाँ जो गाना है वो यूज़ हो सकता है। सबसे पहले गाना बनाने के बाद आप एक म्यूज़िक को अनाउंस करते हैं जो कि आपका एक मूवी के अंदर भी आ जाता है, प्लस OTT चैनल्स भी आपके इस म्यूज़िक की स्पॉन्सरशिप को लेते हैं, प्लस जितना भी आप कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुनते हैं उसकी मोनेटाइजेशन ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूसर्स को मिलती है का कुछ परसेंटेज, जो कि टिप्स इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली मिलता है। तो आप सोचिए, जितनी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका डायरेक्ट बेनिफिट हमारा टिप्स इंडस्ट्री जैसी कंपनीज को मिलेगा। रीज़न यही है कि इन कंपनीज की वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो एकदम 2-4 सालों के अंदर बढ़ चुकी है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर के अंदर पहले से बैठे हुए थे जहाँ पे ये गाना प्रोड्यूस करते थे, लेकिन एक कैसेट और CD में ही हमेशा मोनेटाइजेशन करते थे, या फिर अपने कुछ सिंगर्स को कॉन्सर्ट्स करा के। लेकिन इंटरनेट की आने की वजह से ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है ये हमारी यहाँ स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो जहाँ जहाँ गाना बजेगा वहाँ वहाँ इस कंपनी को कुछ मोनेटाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब आप सोचिए कि पूरे सोशल मीडिया पे लेट सपोज कोई भी आप गाना सुनते हैं और उस गाने को आप यूज करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो आप सोचिए कि ये कंपनी का भी डायरेक्ट बेनिफिट होगा इस गाने की मोनेटाइजेशन से। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मुझे लगता है कि अगर कंपनी हर साल 100,000 गानों में से लेट सपोज 100 गाने भी अपने मोनेटाइज वाले बना दे, तो कंपनी का बिजनेस जो है वो हमेशा मुझे अच्छे लेवल्स पे ही दिखाई देगा, और यही साफ मुझे दिखा कंपनी के एबिट्डा मार्जिन और पैट मार्जिन पे। तो आप भी ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करें
जिनका बिजनेस वैल्यू जो है वो आने वाले फ्यूचर में भी कंपनीज को बेनिफिट मिले, क्योंकि एक ऐसा ब्रांडेड कंटेंट है जिसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टिप्स इंडस्ट्रीज का जो नेटवर्क है हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर्स के साथ वो बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे ही आप और कंपनीज को आइडेंटिफाई करें जो कि इस बिजनेस के अंदर अपनी अच्छी खासी पकड़ बना के बैठे हुए हैं। तो मैं भी ऐसी कंपनीज और आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और उनके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।